दोस्तों, आज हम एक ऐसी यात्रा पर चल रहे हैं जहां हमें प्रकृति और ईश्वर दोनों का एक साथ अनुभव होने वाला है। आज हम जाएंगे एक ऐसे स्थान पर जहां स्वयं महादेव देवताओं को अमृत पिलाने के बाद खुद विष पीकर और नीलकंठ पर चढ़ गए थे। आज हम करेंगे ऋषिकेश की यात्रा। ऋषिकेश वही जगह है जहां पर भोलेनाथ ने माँ गंगा को अपनी जटाओं में लपेटा हुआ है। वेलकम बैक टू रेड बॉल सैलून। मैं हूं आपका दोस्त शैलेंद्र और इस वक्त मैं हूं ऋषि मुनियों की नगरी ऋषिकेश में, जहां आपको भोलेनाथ माँ गंगा मैया एक साथ मिलेंगे। और भाई, माँ गंगा का ये विकराल रूप आप जो देख रहे हो, ये है भाई मंथ ऑफ द जून और आज हो चुकी है भाई 25 जून। और व्यू देखिए आप, यहाँ मेरे आप देखेंगे राइट हैंड पे तो भाई इधर है हमारे जानकी झूला और इस तरफ है माँ गंगा मैया, उधर विराजमान है भोले बाबा और पीछे आप देखे भाई जो व्यू आ रहा है, बादल जो है भाई पहाड़ों पे जमे हुए हैं। और आपको अपने पीछे दिखाऊंगा इस तरफ में तो हमारे भाई नीलकंठ महादेव, जो कि भाई जिनके हमने कल पैदल यात्रा की थी भाई, तो वो भी आपको ब्लॉग में दिख जाएगा। और यहाँ पे आपका क्या फेयर होने वाला है, कहाँ पे होटल रुकने के लिए आप लें और कितने में होटल मिल जाएगा और भाई किसके थ्रू आपको नहीं जाना है, कैसे जाना, वो सब कुछ इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो गाइस, आज की वीडियो की हम शुरुआत करेंगे भगवान महादेव और भोलेनाथ के साथ। हर हर महादेव। तो गाइस, आप मेरे सामने देख रहे हैं भाई, ये नीलकंठ महादेव की चढ़ाई। और व्यू देखिए आप, जो बादल है वो पहाड़ों पे जमे हुए हैं और चारों तरफ का भाई नज़ारा देखिए ऋषिकेश का, कितना प्यारा है। और यहाँ पर लोग स्नान भी कर रहे हैं, गाँव माँ गंगा मैया की धार भी बहुत तेज है, एक अलग विकराल रूप है। लेकिन भाई यहाँ पर आएंगे तो ये सब तक देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ऋषिकेश को वर्ल्ड ऑफ द योग कैपिटल के नाम से भी
के शौकीन है तो आपको राम झूले के पास ही मिल जाएगा चोटी वाला रेस्टोरेंट, जो कि आज के समय में बहुत ज्यादा फेमस है और यहाँ पर लोग दूर दूर से स्वादिष्ट खानों के लिए आते हैं। चोटी वाला रेस्टोरेंट पे आप एक बार जरूर विजिट करें, और अगर आपका बजट कम है तो आपको बहुत सारे रेस्टोरेंट मिल जाएंगे राम झूले के पास, जहाँ पर आप सस्ते में खाना खा सकते हैं गंगा माँ के अद्भुत नज़ारों के साथ, वो भी सस्ते में। हमने जो थाली खाई थी उसके लिए हमने सिर्फ पे किए थे 120 रुपये। 120 रुपये में रोटी दाल चावल सब मिला। और अब बारी थी हमें एक रूम लेने की अपने लिए, क्योंकि रात हो चुकी थी और हमें करना था स्टे। तो हमने स्टे किया स्वर्ग आश्रम के पास, जिसे काली कमली वाले के नाम से भी जाना जाता है। तो गाइस, जब हम कभी भी किसी भी टूरिस्ट प्लेस पर जाते हैं तो सबसे पहली प्राथमिकता हमारी होती है स्टे का, कि हम भाई स्टे कहाँ करें। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू हमने जो लास्ट हमारी ट्रिप थी नैनीताल की, उसके अकॉर्डिंग हमने ऋषिकेश में भी हमने रूम लिया, और वहाँ भी मैं जो पड़ा था 1500 का पड़ा था, और यहाँ भी सेम प्राइस में पड़ा है। तो यहाँ पे हमने जो अपना होटल लिया है गाइस, वो लिया है हमने गीता भवन के पास में लिया है, इसका नाम है सुदेश गेस्ट हाउस। तो भाई क्या है कि अभी आप सभी को पता है सावन आने वाले हैं, तो रश बहुत ज़्यादा होने वाला है, तो कई लोग सोचते हैं कि त्रिवेणी घाट के पास ले लेंगे, तो वहाँ पे क्या है कि भाई मिलते ही नहीं है। पहले तो रेट की तो छोड़ो, मिलते ही नहीं, क्योंकि सब लोग वहीं आसपास रुकना चाहते हैं, तो अंदर किसी को पता नहीं होता भाई। तो इस चक्कर में क्या भाई, दलाल वलाल जो होते हैं वहाँ पे खड़े रहते हैं, और वो आपको बोलते हैं कि भाई चलो हम आपको इतने में दिलवा देंगे। तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप जाएंगे तो भाई आपको महंगा चार्ज पड़ सकता है, हो सकता है 2000-2500 के पड़े। तो आप एक काम करिएगा, किसी से ही पूछ लीजिएगा कि गीता भवन कहाँ है। गीता भवन के पास आएंगे तो वहाँ पे आपको आसपास बहुत सारे गेस्ट हाउस मिल जाएंगे। अंदर जाएंगे, नंबर लिखे हुए, आप डायरेक्ट कॉल करिएगा, आपको यहाँ पे 1000 से 900, 800, 700 तक में आपको रूम मिल जाएंगे अकॉर्डिंग टू दलाल आएंगे आप। तो भाई क्योंकि हमें भी पता नहीं था, मेरा फर्स्ट टाइम है, तो हमें भी पड़ गया था भाई 1500 का पड़ा। अगर हम डायरेक्ट आते तो हमें 700-800 का यही रूम पड़ता। तो गाइस ये देखो भाई हमारा रूम, और ये हमें इसमें 4 बेड मिला है, जिसमें कि भाई हम 4 लोग रुक गए। और यहाँ का देख लीजिए, आपको वो दिखा दूँगा बाथरूम। तो भाई ये देख लीजिए, ये बाथरूम है यहाँ का, और बाहर का व्यू कैसा है वो दिखा दूंगा। ये देखो भाई बाहर का व्यू, और यहाँ से भाई देखो सीधा आपको बादल दिख रहे होंगे, ये देखो पहाड़ों में बादल जमे हुए हैं। और भाई इधर देखिए, सामने में एक गेस्ट हाउस का फोन नंबर दिखा देता हूँ, ये देखो रूम रूम कैफे, ये पूछ लीजिएगा, या सुदेश गेस्ट हाउस पूछ लीजिएगा। और गाइस में हमें मिला क्या, देखिए इसमें एक हमें पंखा मिला है, एक बल्ब लगा हुआ भाई, डबल बेड पड़ा हुआ है, ये सारी चीज़ें इसमें हमें मिली हुई है। तो आप आएंगे तो अकॉर्डिंग टू रूम के आप देख लीजिए। बाकी गीता भवन याद रखिएगा, ऋषिकेश में सबसे फेमस है गीता भवन। और दोस्तों, अब हमारी बारी थी यात्रा करने की अपने प्रिय इष्ट देव महादेव की, जिसकी हमने शुरुआत की गीता आश्रम के पास अपने होटल से। तो भाई अगर आप भी जाना चाहते हैं नीलकंठ महादेव, तो भाई हर हर महादेव कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा। तेरा भोला है भंडारी, करता नंदी की सवारी, शंभुनाथ रे ओ भोलेनाथ रे ओ शंभुनाथ रे। तो भाई भोलेनाथ का नाम लेके भाई लगे हुए हैं, और एक दो तो भाई बोल रहे थे गाड़ी से करेंगे, लेकिन भाई फाइनली गोपाल ने और मैं सोचा नहीं भाई इस बार पैदल करेंगे। अगर यात्रा में कष्ट ना हो तो उस यात्रा का कोई मज़ा नहीं है, मज़ा नहीं आता है। क्यों भाई, सही बात, वो यात्रा कैसी। तो भाई जब आप भाई यहाँ पे आएंगे, चढ़ाई करेंगे महादेव की, तो आपको बता दूँ कि भाई यहाँ पे आपको बीच बीच में दुकानें भी मिल जाएंगी। भाई यहाँ पे क्या है कि आप चाय मैगी जो आप खाना चाहें वो खा सकते हैं, पर कोशिश कीजिए कि कम से कम 3 से 4 लोगों का ग्रुप हो आपका, तभी आप चढ़ाई की करिए यहाँ की। अकेले यहाँ की चढ़ाई थोड़ा रिस्की हो सकता है, और भाई रास्ता बहुत खड़ा है।
आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है स्कूटी, जो कि आपको ऋषिकेश में इजिली 500 से 600 रुपये पर डे की हायरिंग पर मिल जाती है और आप ऋषिकेश आराम से घूम सकते हैं। तो गाइज आज रास्ते गए कि फाइनली यार बारिश हो रही है और लगभग रात को 3 बजे से बारिश हो रही है। इतनी बारिश में भी भाई अगर मैं आपको वेदर दिखाऊं तो वेदर आप पीछे का देखोगे कितना बढ़िया दिख रहा है और बादल जो है भाई पहाड़ों पे जमे हुए हैं और इधर नीचे लोग देखिए भाई वो इतनी बारिश में भी, क्योंकि मौसम इतना ज़्यादा ठंडा है और उसके बाद भी भाई इस बारिश में यहाँ पर नहा रहे हैं। तो भाई यही है भक्ति का मज़ा, और कहते हैं कि भक्ति में शक्ति होती है, तो भाई यही दिखती है शक्ति। तो भाई अभी भरा हुआ भाई पूरा पानी मार्केट में, और अभी आपको यार नज़ारा दिखाऊंगा दूसरे कैमरे से बैक साइड से। तो भाई ये देखो ऐसे चल रहे हैं, और वो देखो भाई पीछे आ रहा सत्यम बारिश में। सत्यम को जूम करके दिखाता हूँ आपको, ये देखो भाई लस्सी जीते हुए और पानी बारिश का मजा लेते हुए है। ये देखो भाई सत्यम को, और भाई साहब और ऊपर देखो भाई ये गेट है, ये भाई ऋषिकेश की मेन मार्केट। पानी देखो भाई पानी घुटने तक से आ रहा है। चलो भाई चलो चलो चलो, ऋषिकेश घूमने का। तो गाइज ये था हमारा ऋषिकेश ब्लॉग, हमने दिल्ली से 250 किलोमीटर जाके ऋषिकेश गए और वहाँ पर आपके लिए एक ब्लॉग बनाया। तो गाइज मैं आपको बता दूँ कि कम से कम इसमें 200 से 250 क्लिप थी, जिनको थोड़ा थोड़ा काट काट के आपके लिए एक वीडियो बनाई और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। गाइज आने वाले बहुत सारे ब्लॉग हैं अभी हमारे, हम अमरनाथ यात्रा करेंगे, वैष्णो देवी यात्रा करेंगे, जो हमारी लेटेस्ट जो अभी यात्राएं हैं ये करेंगे, और आप भाई कैसे जा सकते हैं, कहाँ ठहर सकते हैं, वो सब कुछ हम बताएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।